दतिया जिले में शारदीय नवरात्रि और दिवाली दोष पर माता रतनगढ़ पर लगने वाले भव्य मेले की तैयारियों के लिए कलेक्टर संदीप कुमार मां के रतनगढ़ मंदिर पहुंचे। रतनगढ़ माता मंदिर पर ग्वालियर कमिश्नर और पुलिस महानिरीक्षक भी व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। समीक्षा बैठक में ग्वालियर कमिश्नर और दतिया कलेक्टर ने निर्देशित किया कि ड्रोन रिहर्सल के साथ साथ जहां जहां पार्किंग है वहां लाइट की व्यवस्था हो। मंगलवार को शारदीय नवरात्रि और दीपावली की दोष पर लगने वाला माता रतनगढ़ पर भव्य मेले की तैयारियों को लेकर ग्वालियर कमिश्नर पुलिस महानिरीक्षक चंबल संभाग ग्वालियर कलेक्टर संदीप कुमार माकिन पुलिस अधीक्षक दतिया वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्य रूप से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया कमलेश भार्गव, अपर कलेक्टर विनोद भार्गव, एसडीएम सेवड़ा अशोक अवस्थी सहित जिला स्तर और तहसील स्तर के अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर संदीप कुमार माकी ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि नवरात्र मेले की तैयारियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व की घटनाओं को देखते हुए सभी तैयारियां समय सीमा में चाक चौबंद हो जाए। जिन अधिकारियों को जो जिम्मेदारियां दी गई है वह जिम्मेदारियों के साथ अपने अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से निर्वहन करें। रतनगढ़ मंदिर में लगने वाले मेले के पूर्व सभी स्तर के रास्तों का संधारण, मरम्मत, मार्गों का संकेतक दुरुस्त करा लिया जाए, जिससे मेले में आने वाली बड़ी संख्या में अलग अलग रास्तों से श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। माननीय आयुक्त महोदय और माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय पहले भी आए थे और तब उन्होंने जो जो निर्देश दिए थे यहाँ पे पेयजल के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, पार्किंग के लिए, बिजली के लिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत बड़ा मेला होता है, उस पर निर्देश दिए थे जिसका आज फॉलो अप उन्होंने किया और नए भी निर्देश दिए हैं जिसका हम पालन कर रहे हैं और पूरी तरह जिला प्रशासन तैयार है। सभी जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनका हृदय से स्वागत है। 3 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर और पीथामरा माई की दोनों ही जगह पुलिस और प्रशासन सभी आने वाले श्रद्धालुओं का बहुत ही हृदय से स्वागत करता है।